अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज निहाल ज़ारा। आज के हमारे सेशन का टॉपिक है यंग प्रोफेशनल फेलोशिप। यंग प्रोफेशनल फेलोशिप में बात करने से पहले मैं बात करूंगी एक यूथ लीड ऑर्गेनाइजेशन की, विच इज मैप्स, मेंटोर एमिएबल प्रोफेशनल सोसाइटी। मैप्स जो है 2012 से पाकिस्तान में काम कर रही है। मैप्स हैज बीन वर्किंग फॉर यूथ वोकेशनली ओरिएंटेशन एंड इकोनॉमिकल प्लेसिडिटी वर्क सिंस 2012। मैप्स का बेसिकली एम ये है कि वो हमारे यूथ को फैसिलिटेट कर सके। वो 2012 से बहुत सारी ओरिएंटेशंस कंडक्ट करवा रही है, बहुत सारे सेशंस कंडक्ट करवा रही है हमारे यूथ को फैसिलिटेट करने के लिए। मैप्स के करें तो इसके अंदर पीस सबसे अहम है मैप्स के एम्स में। सो एज वी ऑल नो कि मैप्स जो है एक फेलोशिप प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करवाने जा रही है, जो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है हमारे यंग लोगों को। तो हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं यंग पाकिस्तान, वो डियाना वो होल्डर हैं 2020 के। ही इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद डीप एंड वेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इश्यूज। ही हैज़ बीन एडवोकेटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स एंड इज अ यंग पाकिस्तानी टू स्पीक एट यूनाइटेड नेशन। ही इज अ वाइब्रेंट एंड इमर्जिंग लीडर फ्रॉम साउथर्न पंजाब। Yes, he is none other than President of MAPS, Mr. Ahmed Toor. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam, Nihal. Thank you so much for inviting me. Thank you so much, Scholarship Corner ka, Fawad ka, jinhone hame opportunity di ke hum logon ki jo queries hain, jinke questions hain, ambiguities hain regarding Young Professional Fellowship, hum wo answer kar sake. Ji. To sabse pehla mera question aapse yahi hai ki यंग प्रोफेशनल फेलोशिप बेसिकली है क्या? बिल्कुल, जो यंग प्रोफेशनल फेलोशिप है, देखो फेलोशिप पे बात करते हैं, फेलोशिप जो होती है ना वो होती है वन वीक से लेके वन ईयर टू ईयर की भी होती है। बट सिंस हम एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं कोरोना के बाद कि हम इतने बड़े बड़े जो स्टेज हैं, प्लान्स हैं, वो अचीव नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया है कि हम एक ऐसी शॉर्ट सी फेलोशिप के साथ लेके आए हैं इस पूरी दुनिया में कि हम चाहते हैं कि इस तरह की जो फेलोशिप्स थी, कॉन्फ्रेंसेस थी, ये मतलब कह लें कि जो यंगस्टर्स होते थे इनको बूस्ट करने का सबसे बड़ा जरिया होती थी। अब क्या हुआ, 3 से 4 महीने से कि ये चीजों पर पाबंदी लग गई, मतलब कि ट्रैवल भी बैन हो गया और ये जो हमारी यूथ थी वो मतलब घरों में रह के रह गई है। ऑल दो हम सब वर्चुअली कनेक्ट हो गए हैं, हम लोगों ने ऑनलाइन सेशंस करवाए हैं, उसके बाद हम लोगों ने खुद ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड किए हैं, बट वी थॉट कि अब चूंकि जो ग्राफ है वो डिक्लाइन की तरफ आ रहा है तो हमें इस इनिशिएटिव को लेना चाहिए। हमने हमेशा से जो होता है एक जो यूथ है पूरी दुनिया की, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि वो आके अपनी जो भी प्रोजेक्ट है, अपनी जितनी भी स्किल्स हैं उसको एनहांस कर सकें। टॉकिंग अबाउट मैप्स, तो मैप्स एक इदारा था जो 2012 में बनाया गया था इसी एम के साथ कि पाकिस्तान के लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो जो है दुनिया के लेवल पे आगे कम्पीट कर सकें। तो टॉकिंग अबाउट नाउ यंग प्रोफेशनल फेलोशिप, सॉरी निहाल अगर आप अपना माइक म्यूट कर देना तो बेटर हो जाएगा ताकि हमारी जो ऑडियंस है ना वो सही तरह सुन ले। जी अपनी बात रिपीट कीजिएगा प्लीज। आप अपना काइंडली माइक म्यूट कर देंगी ना तो मेरी आवाज ठीक तरीके से पहुंच जाएगी व्यूअर्स तक। एक मिनट। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप अपना माइक काइंडली म्यूट कर दें, मुझे नजर आ जाएगा जब आप माइक म्यूट कर देंगे। सॉरी मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही। अपना काइंडली माइक म्यूट कर दें ताकि मैं इसको सही तरीके से बता सकूं। अपना माइक काइंडली म्यूट कर दें। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे यंग प्रोफेशनल फेलोशिप की। जिस तरह के निहाल ने हमसे क्वेश्चंस किए, जो यंग प्रोफेशनल फेलोशिप है ये एक वीक लॉन्ग रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जो कि हम टर्की में ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से 10 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा इस पूरी फुली फंडेड कॉन्फ्रेंस पे और फेलोशिप पे एट द सेम टाइम। अब क्या होने जा रहा है, एप्लीकेशन पोर्टल बहुत सिंपल है, छोटी सी एप्लीकेशन है, 1 पेजर। जो भी पाकिस्तानी होल्डर है, आइदर वो पाकिस्तान में है आइदर वो पाकिस्तान से बाहर है, वो क्या करे, उस फेलोशिप की एप्लीकेशन को फिल करे। हमारे जो जजेस हैं, हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो इसको गो थ्रू करेंगे। 10th जो है अगस्त वो डेडलाइन है इस पूरी फेलोशिप की। 15th
15th ऑफ अगस्त को हम इसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर देंगे सिंपली। इसके साथ साथ अब इस कॉन्फ्रेंस में किस टॉपिक्स पे बात होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके साथ साथ कौन से किस्म के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आइदर के काफी लोगों ने हमसे क्वेश्चन किए हैं कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सोशल वर्क नहीं कर रहा, क्या मैं इस फेलोशिप में अप्लाई कर सकता हूँ। उसके साथ साथ कुछ ये भी क्वेश्चन है कि मेरा सोशल वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्या मैं भी इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। और एज गैप है, हमने 15 ईयर से लेके 35 ईयर्स के जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है। तो अगर किसी की एज रिलैक्सेशन भी चाहिए, किसी को लाइक एक से दो साल का फर्क है, तो वो हम भी अकोमोडेट करने के लिए रेडी हैं। अब ये जो फेलोशिप है ये 15 से लेके 35 एज तक इसलिए की गई है क्योंकि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए, एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। अब क्या होगा, एक कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी बंदा है जिसका बेशक जीरो सोशल वर्क एक्सपीरियंस है, वो इस फेलोशिप में अप्लाई कर देगा। बिकॉज जो फेलोशिप होती है अदर देन कॉन्फ्रेंसेस, फेलोशिप पे ट्रेनिंग्स दी जा रही होती है, फेलोशिप पे सिखाया जा रहा होता है लोगों को कि आपने क्या करना है और आपने किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करना है। इट्स काइंड ऑफ इंक्यूबेशन फॉर लोगों के लिए जो अपना इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लेके आना चाह रहे होते हैं। कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं उसमें आप जाके प्रेजेंट कर रहे होते हो अपने प्रोजेक्ट्स को, आप जाके बता रहे होते हो, आप मेंटोर भी कर रहे होते हो, आप एट द सेम टाइम ट्रेन भी कर रहे होते हो लोगों को। तो जो फेलोशिप हमारी है इसमें भी 7 डेज की फेलोशिप है। जब ये इस्तांबुल में ऑर्गेनाइज की जा रही होगी तो 13 से लेके 19th ऑफ अक्टूबर तक ये फेलोशिप टेक प्लेस की जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंट ट्रेनर्स जो डिफरेंट कंट्री से आ रहे हैं वो ट्रेन कर रहे होंगे हमारे उन नौजवानों को, जो 10 लोग फुली फंडेड सीट्स पे सिलेक्ट किए जाएंगे। एट द सेम टाइम जो हमारे लोग सिलेक्ट नहीं होंगे या जो कुछ रिजेक्शन हो रही होंगी, हमारी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम 50 जो है एप्लीकेशंस या 50 जो सीट्स हैं वो ऑब्जर्वेटरी सीट्स रख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 50 लोग हमें एज एन ऑब्जर्वेटरी डेलीगेट्स हमारे साथ जाएंगे टर्की में, और वो फुल फ्लेज पैकेज, फुल फ्लेज जो कॉन्फ्रेंस है या उसके साथ साथ फेलोशिप है उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। व्हाई एम आई सेइंग लाइक कि कॉन्फ्रेंस भी एट द सेम टाइम, ये थोड़ा काइंड ऑफ सरप्राइज है, बिकॉज जो हमारे साथ फेलोशिप पे जा रहे होंगे 10 लोग फुली फंडेड, उनको हम एक अपॉर्चुनिटी भी देंगे एक वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस में एज अ मैनेजमेंट, एज अ वॉलंटियर और एज अपनी एक्सपर्टीज वहां पे एक्सप्रेस करने पे। अब चूंकि हमारे साथ निहाल नहीं है तो वो उस तरह के क्वेश्चंस भी नहीं कर पा रही होंगी। आई एम श्योर कि मैं अकेला इस ब्रॉडकास्ट को देखने जा रहा हूँ। मैंने लैपटॉप के साथ क्वेश्चन आंसर्स के लिए पोर्टल खोला हुआ है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जो वो पूछना चाह रहा हो वो इसमें पूछ सकता है। मैं ब्रीफ से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि 13th को क्या होगा, 14th को क्या होगा, 15th को क्या होगा। 13th को हमारी प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन है जो पाकिस्तान में ही होगी, उसके बाद 13th को फ्लाइट है डिफरेंट एयरपोर्ट से, वो जब यहाँ से चलेंगे 14th को वहां पे जाके एक और ओरिएंटेशन है जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेनर्स दे रहे होंगे। एट द सेम टाइम कुछ वर्कशॉप भी हैं 14th को, कुछ लाइक ट्रेनिंग्स भी हैं। फिर 14th को हमारा सिटी टूर है, 15th को अगेन वर्कशॉप्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, आपकी प्रोजेक्ट पिचिंग भी है, आप अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ सकते हो, वहाँ पे आप इनिशिएट कर सकते हो। 16th-17th भी यही चल रहा होगा। 18th को अवार्ड सेरेमनी है जिनके बेस्ट प्रोजेक्ट्स होंगे, जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी में। तो ये पूरा एजेंडा है इस पूरी फेलोशिप का। और एट द सेम टाइम मैं अगेन बताता चलूँ कि जो इस फेलोशिप है इसकी डेडलाइन बहुत शॉर्ट है, 10th of August है इसकी डेडलाइन, आप इससे पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो फेलोशिप है ये सिर्फ और सिर्फ, अगेन आई वुड से दिस फेलोशिप इज ओनली फॉर पाकिस्तानीज, इफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज आर वॉचिंग अस, यू नो दे आर मोर देन वेलकम टू वॉच अस, बट आई वुड लाइक टू टेल देम दैट द फेलोशिप वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस लाइव स्ट्रीम इज ओनली फॉर पाकिस्तानीज एंड इज ओनली फॉर दोज पीपल हु हैव पाकिस्तानी नेशनलिटी, सो यस दे कैन स्टे विद अस एंड आस्क क्वेश्चंस। But I don't think so. We would be accommodating them like the people who are from other countries, because this page has wider network and you know this the page has more reaches in other countries as well. मैं यहाँ पे again बताता चलूँ आपको कि मैं ये questions जो हैं comments में देख पाऊँगा, because I'm on a live stream on from my mobile phone. So अगर किसी का कोई question है, कोई भी बात है जो वो कहना चाहता है तो वो आके इस live stream के comments में बता सकता है। मैं साथ साथ कमेंट्स देखने की कोशिश कर रहा हूं
और आई ट्राई टू बी यू नो रिस्पॉन्सिव, और जितने मुझसे आंसर हो सके वो मैं बताता चलूंगा। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन कि एक क्राइटेरिया के एप्लीकेशन का, एक बंदे ने कहा है कि उनका 5 साल का एक्सपीरियंस है। देखिए, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो क्राइटेरिया है ना सिलेक्शन का, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एप्लीकेशन फॉर्म पे डिपेंड कर रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज्यादा सिंपल है, उसमें जस्ट 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको हम पर्सनल स्टेटमेंट्स भी कह रहे होते हैं एट द सेम टाइम। आपने कोशिश करनी है वो जो 2 क्वेश्चंस हैं उसको टू दी पॉइंट लिखना है और उसको अपनी जात से मुतालिक रखना है। आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हो, बट आई वुड से जस्ट हेल्प लें, वहां से कॉपी पेस्ट ना करें, बिकॉज जो हमारा सिस्टम है इनबिल्ट वो डिटेक्ट कर रहा है कि कितना जो कंटेंट लिखा है वो प्लेजराइज्ड है। तो ऑब्वियसली वो कैंडिडेट जिनका प्लेजरिज्म लाइक कंटेंट 40-50% होगा, वो ऑब्वियसली डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, और मतलब कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो स्टैंड नहीं करी होगी एट द टॉप ऑफ द एप्लीकेंट्स। तो बेटर बी रियल ऑनेस्ट हो कि आप अपना उस पूरे फॉर्म को फिल करें और जो आपकी एहसास है या जो आपकी फीलिंग्स हैं आप उसको लेके आ सकते हो। जी, एक क्वेश्चन है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ये इंजीनियर्स के लिए भी है या नहीं है। तो यस, दिस अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो फॉर इंजीनियर्स। If somebody is hearing me, अगर किसी को मेरी आवाज आ रही है तो kindly comment करके बता दें, because मेरी तरफ से जो screen है ये वो hold हो चुकी है, so I can't hear anyone, और मैं यहाँ पे देख भी नहीं पा रहा कि मैं live हूँ कि नहीं हूँ, but let me just real quick check कि मैं live हूँ इस पे page पे। तो I'll ask from this view, ये laptop की जगह से। All right, so I guess we are live. और मैं यहाँ से क्वेश्चन बताऊँ। ओके, जो फॉर्म है वो हमारे पेज पे मेंशन है, अपर अगर आपने फॉर्म को एक्सेस करना है तो आप ypf.maps.org.pk पे उसको जाके विजिट करें, उसके अंदर एक लिंक दिया गया है, आप उस फॉर्म को फिल करें। ट्रस्ट मी गाइस, आई हैव बीन टू लाइक मोर देन 10 कंट्रीज और सारी स्कॉलरशिप पे गया, सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की डिफरेंट कंट्रीज में, बीट यूएसए, रशिया, साउथ अफ्रीका, बड़े बड़े कंट्रीज में। सबके जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो बहुत ज्यादा टफ थे, बहुत ज्यादा मुश्किल थे, बहुत ज्यादा डिटेल्ड थे। जो यंग प्रोफेशनल फेलोशिप है इसका फॉर्म बहुत सिंपल है, आपको जस्ट यू नो उस फॉर्म को फिल करने का आर्ट आना चाहिए। मैं हमेशा से लोगों को ये कहता हूँ कि हमें पाकिस्तानियों को ज्यादा पता ही नहीं है कि हमने अपॉर्चुनिटी में किस तरह अपने आप को मनवाना है। तो आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपने अपने आप को मनवाना है, सबसे बड़ी बात यह है। तो वो 2 क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन का मैं आइडिया दे देता हूँ जिसमें बायोग्राफी पूछी गई है, आप उसको इस तरह भी लिख सकते हो कि जी मेरा नाम, पैराग्राफ, हमेशा जो हम एसओपीज लिखते आ रहे हैं, पर्सनल स्टेटमेंट लिखते आ रहे हैं, हम हमेशा से यही कहते हैं कि पहला पैराग्राफ में मेरा नाम ये है, मेरा ये इंटरेस्ट है, फिर आप सेकंड में बताते हो आपकी ये एजुकेशन है या आपने ये काम कर रहे हो कम्युनिटी में, थर्ड में आप बताते हो कि अगर मुझे सिलेक्ट कर लिया जाएगा तो मेरा क्या फायदा, मुझे आप लेंगे तो क्या फायदा होगा मेरी कम्युनिटी को। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन के आंसर्स कर रहे होंगे। ठीक है, सैंपल की बात की है एक कमेंट पे। देखिए, सैंपल जो है बायोग्राफी के, पर्सनल स्टेटमेंट के, इंटरनेट पे बेबहा पड़े हुए हैं। आई वुड से अगेन, आप उसको कॉपी पेस्ट ना करें, सिस्टम ने प्लेजरिज्म जो है वो डिटेक्ट कर लेना है। तो अल्टीमेटली आप अगर एप्लीकेशन नो डाउट अच्छी भी हो, आपका सोशल वर्क भी हो, अगर वो वहां पे प्लेजरिज्म जो डिटेक्ट करता है तो वो आप अनफॉर्चुनेटली इश्यूज आ जाएंगे वहां पे, आपकी सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, अपनी आइडिया लें इंटरनेट से, अपनी जो एप्लीकेशन उसको खुद फिल करें। ठीक है, स्टिल अगर किसी को एंड पे, ये मैंने एंड पे बताना है बट स्टिल हम टेलिंग के, अगर किसी को कोई इश्यूज आ रहे हैं रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग, किसी को समझ नहीं आ रहा कैसे इसको लेके चलना है, मैं सेशन के एंड पे या कमेंट्स में अपनी जो ईमेल है हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की और जो हमारा हॉटलाइन नंबर है YPF का, मैं वो भी देता चलूंगा ताकि लोगों को कोई किस्म का, किसी भी किस्म का इशू ना हो। ओके, सो हाउ इज समिट। ओके, आशीष इज सेइंग दैट हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ग्लोबल पीस समिट टर्की, अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज़ द कॉन्फ्रेंसेस हैव बीन टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम एट द सेम वेन्यू, सो आई गेस
इट इज माय यू नो आप लोगों का राइट है इस ये क्वेश्चन पूछना और इसका आंसर बताना. देखें देर आर टू मोर डिफरेंट इवेंट्स. यस द पीपल आर सेम, फेसेस आर सेम, बट ग्लोबल पीस चेंज जो है वो एक सेपरेट इदारा है. वो यूएस में रजिस्टर्ड वो ऑर्गेनाइजेशन है. जो मैप्स है वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है. आई एम टेलिंग यू दैट पीपल आर डिफरेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट है, येट वो सेम टाइम पे हो रहा है. येट वी आर यू नो पार्टनर्स इन यू नो ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स अब्रॉड. हमारे जितने भी इवेंट्स हो रहे होते हैं वो कोलेबोरेशन के साथ, म्यूचुअल कोलेबोरेशन के साथ चल रहे होते हैं. तो यस, लाइकवाइज आई सेड कि हमारे जो लोग होंगे उनको हम ये भी अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो ग्लोबल पीस समिट जो टर्की में होने जा रहा है वहां पे वो मैनेजमेंट पोजीशंस में आ सकें, वॉलंटियर पोजीशंस पे आ सकें, बट जस्ट फॉर 2 to 3 hours पर डे. जो YPF का एजेंडा है, जो यंग प्रोफेशनल फेलोशिप का सारा यू नो इवेंट है, इवेंट प्रोग्राम है, फेलोशिप प्रोग्राम है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा इस वजह से कि हम एट द सेम टाइम वहां पे भी इवेंट हो रहा है. जो फेलोशिप है वो सेपरेट है, जो ग्लोबल पीस समिट करती है वो सेपरेट है, बट सेम टाइम में हो रहा है. तो इट डिपेंड्स कि आप लोग वहां पे भी अटेंड करते हो या यहां पे भी अटेंड करते हो. तो हमारी डेट सेम है बट द इवेंट इज टोटली डिफरेंट. Amna is saying that application fee is refundable. Amna, I would like to tell you that unlike yeah, unless like ग्लोबल पीस समिट वहाँ पे भी पहले जो होती थी फीस रिफंडेबल होती थी, नाउ इट इज नॉट रिफंडेबल. दिस इज यू नो जस्ट वन टाइम चांस. आप जितना अच्छा एप्लीकेशन लिखोगे उतनी अच्छी आपकी चांसेस हो रहे होंगे. तो आई वुड आंसर वन मोर क्वेश्चन इसके साथ कि अब ये क्वेश्चन तो मुझसे करने थे आई गेस होस्ट ने. सो होस्ट का जो इंटरनेट का इशू है तो मैं ही होस्ट हूँ और मैं ही आपका गेस्ट हूँ एट द सेम टाइम. तो अब हम क्या करते हैं कि देखें हमें क्वालिटेटिव जो है ना एंट्री चाहिए, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए. अगर दिस फेलोशिप की जो एप्लीकेशन फी है खत्म कर दी जाए तो देयर वुड हैव बीन लाइक 10,000 एप्लीकेशन एंड हमारा इदारा जो है वो अब 10,000 एप्लीकेशंस को रिव्यू नहीं कर सकता. हम जस्टिस ही नहीं कर पाएंगे किसी के साथ क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता कि आप 10,000 एप्लीकेशन को गो थ्रू कर दो. सो ईच इस जो फेलोशिप में अप्लाई कर रहा है उसकी एक एक बंदे का जो एक एक वर्ड लिखा हुआ है एसओपी में या जो उसने पर्सनल स्टेटमेंट में लिखा है वो पढ़ा जाएगा. उसकी सोशल प्रोफाइल्स विजिट की जाएगी कि आइदर इज ऑल लाइक अगर कोई कह रहा है क्लेम कर रहा है कि मैं वर्क करता हूँ सोशल तो हम उसकी सोशल प्रोफाइल भी विजिट कर रहे होंगे. हमने एप्लीकेशन में चीजें मांगी हुई हैं तो हम क्रॉस चेक कर रहे होंगे. तो कहने का मतलब ये हमें क्वालिटेटिव एप्लीकेंट्स चाहिए. हमने जो 10 लोगों को यहाँ से लेके जाना है उनका स्टैंडर्ड होगा, उनका मेयार होगा वहाँ पे टर्की में, बिकॉज वो एट द सेम टाइम वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के लोगों के साथ मिल रहे होंगे फेलोशिप में. तो हमने जो है पाकिस्तान की समझे ट्रू इमेज अगर पोर्ट्रे करना है तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बहुत रिगरस है, बहुत कंपिटेंट लोग आ रहे होंगे. बट आई वुड टेल के इस अगर किसी का सोशल वर्क एक्सपीरियंस है 6 से 7 साल का और वो समझ रहा है कि दे कैन यू नो गेट एक्सेप्टेड इजीली तो यहाँ पे मैं खतरे की घंटी बजा दूंगा. जो लोग अप्लाई कर रहे हैं हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं, बड़ा ही कंपिटेंट प्रोसेस है, लाइक बहुत ही कंपिटेंट लोग अप्लाई कर रहे हैं. तो आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को वेदर के आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है या 15 साल का, आपने एप्लीकेशन जो फिल करनी है वो बड़े तरीके से करनी है, देखभाल के करनी है, तो आपके ज्यादा चांसेस सिलेक्शन की इस तरह ही हो जाएंगे. ठीक है, वन वाज सेइंग दैट कि उनका फाइन आर्ट का जो है एक्सपीरियंस है. मैंने आपको पहले ही बताया है फेलोशिप के लिए कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं है. आप 15 साल से 35 साल के अंदर हो, आप में यू नो कम्युनिटी को गिव बैक करने का पैशन है, आपको इंग्लिश अच्छी आती है, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन स्पीक वेल, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई. नाउ द फोकस इज ऑन योर एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन लिखनी है. If you wanna go on fully funded delegates, like अगर आप fully funded seat पे जाना चाहते हैं तो आपको उस application में जो questions पूछे गए हैं उसकी तैयारी करनी है और फिर उसमें apply करना है. हमारी जो maps की team है और जो हमारी hotline है वो always available है, किसी को कोई issue आ रहा है वो हमसे discuss कर सकता है. Haris is saying that किसी के पास passport है, पासपोर्ट नहीं है तो वो अप्लाई कर सकता है. यस हारिस, यू कैन अप्लाई. पासपोर्ट का सेक्शन हमने रखा हुआ है एप्लीकेशन में, बट इट इज नॉट मैंडेटरी. जो मैंडेटरी है वो सीएनआईसी है. सीएनआईसी नंबर इज मैंडेटरी बिकॉज वी वांट टू नो दैट
पाकिस्तानी आर अप्लाइंग बिकॉज हमारी अपनी ऑडियंस जो है मैप्स की मैप्स के पेज से वो वर्ल्ड वाइड है, हमारे जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रीच वर्ल्ड वाइड है. सो जस्ट टू यू नो गेट द एप्लीकेशन फ्रॉम पाकिस्तानी, हमने वो फिल्टर लगाया हुआ एप्लीकेशन में सो दैट जिसके पास एनआईसी होगा वो ही अप्लाई कर पाएगा. Someone is saying that के scholarship कितनी है total? 10 fully funded seats हैं, उसके बाद 50 observatory seats हैं. Obviously जो 50 लोग होंगे उनको उनको भी हम wave off कर रहे होंगे काफी चीजें. और वन मोर क्वेश्चन ये है कि एक एप्लीकेशन में रेफरल कोड है उसकी उनको समझ नहीं आ रही. रेफरल कोड इज नॉट फॉर एवरीवन. रेफरल कोड वो है जो किसी की लाइक मैप्स के मेंबर जो हैं जो मैप्स के साथ हैं काफी अरसे से, ये रेफरल कोड सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बिकॉज जो हमारे लोग हैं हम उनको गिव बैक कर रहे होते हैं. बट दैट डजंट मीन कि हमने मैप्सियंस को ही सिलेक्ट कर लेना है. जो मेरिट क्राइटेरिया है सेम बिकॉज जो हमारा जजिंग पैनल है, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हमारे मेंटोर्स हैं, हमारे ट्रेनर्स हैं, ये लोग एप्लीकेशन को इवेल्युएशन कर रहे होंगे तो इनकी जो प्रोफाइल्स हैं वो भी मैप्स की वेब पे अपडेट हो रही हैं. एट द सेम टाइम मैप्स के फेसबुक पेज पे भी अपडेट हो रही हैं. आप मैप्स का पेज जो है वो देख सकते हो, जस्ट टाइप मैप्स यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. यस, बे फॉर्म का एक क्वेश्चन आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए मैंने आपको बताया 15 साल से लेके 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो. अब ऑब्वियसली ये बात है कि जो 18 साल से कम लोग हैं उनके पास INIC भी नहीं होता, पासपोर्ट तो दूर की बात है. तो आप बे फॉर्म पे आपको एक यूनिक नंबर मिल जाता है जो कि आपका NIC नंबर ही होता है. वो 18 ईयर्स के बाद आपको NIC नंबर जो होता है वो ही इशू कर देते हैं जो आपका बे फॉर्म पे होता है. तो आप उस नंबर को NIC वाले पोर्शन में डाल के अपलोड कर दो. हमने बे फॉर्म या NIC के अटैचमेंट नहीं मांगी, हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर मांगा. अब किसी के क्वेश्चन है तो वो साथ साथ देखता रहे, मुझे बताते रहे और रॉन्ग का पेज बताते. पेज मैप्स यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन आप सर्च करें फेसबुक पे, वहां पे आप जाके विजिट करें. वीडियोस लगी हुई हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं यंग प्रोफेशनल फेलोशिप के. आप पेज को वहां से आप एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हो. अगर किसी ने डायरेक्ट करनी है वेब पे तो वो जाए YPF मतलब यंग प्रोफेशनल फेलोशिप ypf.maps.org.pk. हारिस इज अगेन सेइंग लाइक एक क्वेश्चन है जो कह रहा है कि सोशल वर्क का एक्सपीरियंस है तो, नहीं है मेरे पास तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ. मैंने इसका आंसर पहले भी दिया था, मैं दोबारा दे देता हूँ कि हमने कोई क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में वो सिर्फ ये है कि आप पाकिस्तानी होने चाहिए, ठीक है, आपको इंग्लिश समझ आनी चाहिए और आप बोल सकते हो. इसका ये मतलब नहीं कि आपकी हमें फ्लुएंसी चाहिए इंग्लिश में, आप जस्ट समझ सको बोल सको, ठीक है. एट द सेम टाइम थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप जब अगर हम आपको सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको कम्युनिटी जो इंगेजमेंट होती हैं, हमने ऑब्वियसली उन लोगों से प्रोजेक्ट्स करवाने हैं जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे बाद में, तो हमने उनको कम्युनिटी के साथ इंगेज रखना है. तो आप में इतनी सिविल पावर होनी चाहिए कि आप कम्युनिटी में काम कर सकते हो. ये तीन चीजें सही हैं. एजुकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, सोशल वर्क का कोई ताल्लुक नहीं है. हाँ, जिनका सोशल वर्क होगा उनका जो समझ लें उनको एज ये हासिल होगा, उनको पता होगा कि अप्लाई कैसे करते हैं. ये डिफरेंस होगा एक आम बंदे में और एक सोशल वर्क जिसने किया हुआ है, जिसके पास एक्सपीरियंस है उसमें. The fellowship only happens once a year only. We have received this question from Gohar Malik. Mr. Malik, I would like to tell you that this is not mandatory. जरूरी नहीं है हम एक साल में एक fellowship करें. It depends upon corona. It depends upon travel bans. हम इसको 3 महीने बाद भी initiate कर सकते हैं different country में, हम इसको 6 महीने बाद भी कर सकते हैं. But obviously हम इसको yearly जरूर किया करेंगे. ओके, सो वी हैव रिसीव्ड वन मोर क्वेश्चन जिसमें क्या क्या क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का. आई हैड यू नो आंसर्ड दैट क्वेश्चन अर्लियर बट मैं अगेन बता देता हूँ आपको कि जो क्राइटेरिया है वो टोटली डिपेंड करता है आपकी आपकी एप्लीकेशन पे. उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं उसको पर्सनल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं. सब लोग लाइक 70-80% जो लोग हैं इस पेज पे उनको आइडिया होगा पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है, बायोग्राफी क्या होती है. तो आप उसमें पर्सनल स्टेटमेंट रेडी करें और उसमें अप्लाई करें, पता लग जाएगा आपको. और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया सॉरी वो सारा डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म पे, आप एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करते हो और वो जो 2 क्वेश्चन हैं उस पर सिलेक्शन क्राइटेरिया डिपेंड करता है. दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से.
ये जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ इस वीडियो की. आई सी इफ आई कैन डू इट राइट नाउ. नो, मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा एडमिन से, फवाद भाई से, कि वो जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. प्लस इसी पेज पे एक वीडियो भी शेयर की गई है यंग प्रोफेशनल फेलोशिप का प्रोमो, कि ये जो फेलोशिप होनी है ये कैसी कैसी लगेगी आपको उधर जाके. तो आप इस पेज के वीडियो सेक्शन में जाएं, वहाँ पे वो जो वीडियो लगी हुई है उससे एक्सेस कर सकते हो लिंक. कमेंट्स में भी आई एम श्योर अभी कोई पोस्ट कर देगा लिंक को, आपको यहाँ से भी लिंक आ जाएगा. एट द सेम टाइम आप मैप्स यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन विजिट करके वहाँ से भी लिंक ले सकते हो. फोर्थ ऑप्शन आप ypf.maps.org.pk पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो. ओके, सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन दैट हाउ मेनी एप्लीकेशन यू हैव रिसीव्ड. आयशा, आयशा लास्ट सेशन में भी आई थी. आई वुड लाइक टू टेल आयशा दिस इज कॉन्फिडेंशियल राइट नाउ, आई कांट शेयर द फिगर विद यू, बट मैं बता दूं आपको कि जो कंपटीशन है वो बहुत तगड़ा है, तो अपनी तैयारी करके अप्लाई करें. ओके, सो लेट्स सी इफ वी हैव मोर क्वेश्चंस, बिकॉज मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 जो टॉप के क्वेश्चंस हैं वो आ रहे होते हैं. इफ स्टिल समबडी हैव लाइक एनी क्वेश्चन मुझसे पूछ ले, मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा हूँ. आई ट्राई टू आंसर इट राइट नाउ. सुनहरा, दिस फेलोशिप इज टेकिंग प्लेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन टर्की, बट वी एज अ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन has been organizing global peace summits for the last 2 years with the collaboration, and our representatives have been there organizing all those wonderful summits. I know people know about global peace chain, and you know what, they can vouch for us that yes, they know us, and yes, we have a huge and vast experience in organizing this summits internationally, obviously. Someone is asking, please share your own experience. What type of activities take place? मैं ये question को ऐसे perceive करूँगा कि आप पूछना चाह रहे हो कि application वहाँ पे जाके क्या होगा. एक और question देख लो, फिर दोनों के answer इकट्ठे करता हूँ. Yes, Iman, जब पूरा 4 से 5 दिन आप लोगों की ट्रेनिंग हो रही होगी तो एंड पे जो टास्क होंगे वो यही होंगे कि आपने कोई कम्युनिटी इंगेजमेंट या कम्युनिटी एम्पावरमेंट वाला प्रोजेक्ट लेके आना है. तो आपको ऑब्वियसली वहां पे चांस दिया जाएगा प्रोजेक्ट पिच करने का. प्लस वन मोर एक्साइटिंग न्यूज फॉर पाकिस्तानीज, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिकॉज पाकिस्तानी या जो मैप्स है वो पार्टनर है ग्लोबल पीस चेन का. तो देर इज अज ह्यूज चांस जो हमारे 10 लोग होंगे फुली फंडेड, उनको हम वहाँ पे ग्लोबल पीस समिट में वॉलंटियर करते करने के साथ साथ हम उनको स्टेज शेयर करने का भी मौका दें. वी माइट गिव देम अ पैनल टॉक जहाँ पे वो बताएं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रह गया कम्युनिटी में, कैसे वो आए, कैसे उन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की. तो दिस इज एन एक्साइटिंग न्यूज, बट येट इट हैड टू बी कन्फर्म. हम ये जो होंगे सिर्फ और सिर्फ फुली फंडेड डेलीगेट्स के साथ शेयर करेंगे जब लाइक आफ्टर 15th of August. Yes, that would be a group project. आपको ग्रुप में ही उसको लेके आना पड़ेगा. मैं एक इसको पिछले क्वेश्चन को रिलेट कर दूं जो वो कहते हैं एक्टिविटीज क्या होंगी. एक्टिविटीज में कॉन्फ्रेंसिस हैं, एट द सेम टाइम वर्कशॉप भी हो रही होंगी. हमारे पास तकरीबन 8 ट्रेनर्स होंगे जो ओनली डेडिकेटेड हैं इस फेलोशिप के लिए. ओके, सो आई कांट सी एनी मोर क्वेश्चन. अगर किसी का और क्वेश्चन है तो प्लीज कर लें, बिकॉज विल बी एंडिंग दिस स्ट्रीम लाइक इन 5 to 10 मिनट्स, बल्कि इससे कम टाइम ही एंड हो जाएगी. बिकॉज आई गेस मैं सारी बातें बता चुका हूँ, वो बातें रिपीट हो रही है क्योंकि लोग हमें देर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो अब उनके उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं. यस, दे दो जो 50 लोग होंगे ऑब्जर्वेटरी वो अपने एक्सपेंस पे जा रहे होंगे, बट उनको जो हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन काफी चीजें वेव ऑफ कर देंगे उनका बर्डन कम करने के लिए. बट दैट डजंट मीन कि उन 50 को हमारे साथ जाना ही जाना है, बिकॉज वी बीन लाइक हैविंग क्वेरीज कि जी हम अगर सिलेक्ट नहीं भी होते उन 10 फुली फंडेड में तो हम फिर भी जाना चाहते हैं, आप हमें
बताएं हम कैसे जाना चाह रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के लिए है जो अब खुद ब खुद जाना चाह रहे हैं टर्की में, बिकॉज लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी होती है तो सब लोग ग्रैब करने की तरफ आ रहे होते हैं। फरहान, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि पाकिस्तान की जो लोग होते हैं ना, किसी भी फेलोशिप में इकट्ठे 10 लोग कभी भी सिलेक्ट नहीं किए जाते, ठीक है? आपको पता है आप अभी एज अ पाकिस्तानी क्या क्रेडिबिलिटी है हमारी, ठीक है? यूएस की जो फेलोशिप होती है उसमें ही सिर्फ 200-250 बंदा जाता है, और मुझे कोई ऐसी फेलोशिप आप निकाल के दिखा दें पूरी दुनिया में से, पूरा चैलेंज है, जिसमें से 10 लोग इकट्ठे किए होंगे सवाई यूएस एम्बेसी की फेलोशिप्स की, बिकॉज वो यूएस है बाबा, उनके पास बड़ा पैसा है, उनके पास बहुत ग्रांट्स हैं, फंड्स हैं उनके पास करने के लिए। वी एज अ पाकिस्तानी इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू 10 पीपल के हम उनको लेके जा रहे हैं साथ। उससे पहले जो लोग समिट्स में जाते रहे उनको आइडिया है कि सिर्फ एक आधा पाकिस्तानी सिलेक्ट होता है, वो भी रात लाइक रेयर चांसेस पे, ठीक है? हम 10 लोगों को दे रहे होते हैं, तो रादर देन यू नो इनकरेजिंग योर फेलो पाकिस्तानीज दैट दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, डिस्करेज कम करना चाहिए, ठीक है? शुमाइल खान, मैं पेज किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली जो लिंक है वो इसमें पेस्ट कर दे, इसका जो एप्लीकेशन का लिंक है, ताकि जिसने एक्सेस करना है वो इजीली कर दे। अगर फवाद हमारे साथ हैं या मैप्स का कोई मेंबर हमें सुन रहा है, तो काइंडली जो फेलोशिप का लिंक है वो आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दें। जिन लोगों ने एप्लीकेशन को रिव्यू करना है या कोई क्वेश्चन है, तो वो फिर हम वहाँ से ले लेंगे। आई एम ट्राइंग के मैं भी इसको पोस्ट कर देता हूँ, लेट्स सी। ओके यस, हमने उसको कमेंट कर दिया है, किसी ने भी एप्लीकेशन का एक्सेस करना है वो जाके वहां से कर सकता है। मैं इसको आई एम ट्राइंग कि मैं इसको पिन भी कर दूं, ठीक है? हो गया। जी ईमान, आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा। देखें हमें पता है, हम मैं अब देसी जुबान में बात करूंगा, इंग्लिश में करूंगा तो गोरों को समझ आ जाएगी कि ये पाकिस्तानी जो है ये आपस में लड़ने लग जाते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमें पता है हम कितने पानी में होते हैं जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि हमारी क्या क्रेडिबिलिटी है। और आपको पता है आई हैव बीन टू लाइक 4-5 फेलोशिप पे, 2-4 कॉन्फ्रेंसिस पे डिफरेंट कंट्रीज में, मैंने देखा है कि वहां पे पाकिस्तान की जो डेलीगेशन है या जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम हो रही होती है, ठीक है? आप एटलास कॉर्प्स की देख लो फेलोशिप, आप वो दूसरी हैंसन वाली देख लो, एक दो लोग होते हैं, बाकी बाकी कंट्री से 5-5 इंडियंस को देख लें अगर आप, बड़ी अच्छी प्रोफाइल है उन लोगों की, बड़े कंपिटेंट लोग हैं, तो उनको पता है कि कैसे कर अप्लाई करना है, उनको पता है कैसे फॉर्म फिल करना है, उनको पता है कैसे अपने लोगों को इंकरेज करना है। बट वी एज अ पाकिस्तानीज वी ऑलवेज गेट यू नो जेलस्ड, अब अगर कोई अपना पाकिस्तानी इनिशिएटिव ले रहा होता है, तो देखिए हमने हमेशा इस चीज को पॉजिटिव लिया है, और पॉजिटिव लिया है इसलिए तो मैं यहाँ पे बैठ के बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। तो देखिए आप लोगों को एक दूसरे को इंकरेज करना चाहिए। सी फरहान, आई वुड टेल अगेन, मैं ऐसे क्वेरीज को आंसर नहीं करता, बट बीइंग अ ब्रदर लाइक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई पूरा बोर्ड है और सब लोगों ने जो है ट्रेनर्स हैं, मेंटोर्स हैं, उन लोगों ने आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप अप्लाई करने से पहले सोच रहे हो इस तरह का कुछ आपके माइंड में आ रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप पॉजिटिविटी लेके अप्लाई कर रहे हो। पॉजिटिविटी लेके अप्लाई करो, इफ यू थिंक कि आपकी प्रोफाइल ऐसी है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो देन गुड लक ब्रदर। ओके जी, इफ यू हैव अनदर क्वेश्चन वी कैन टेक इट। मेरी जो स्क्रीन है वो स्टिल वो फ्रीज हुई हुई है, सो आई एम जस्ट यू नो डूइंग एट माय बेस्ट। मैं इसको कैसे कर पा रहा हूँ आई डोंट नो, तो मैं सिर्फ ये स्क्रीन को लैपटॉप को देख रहा हूँ, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। यस, पाकिस्तानियों को नहीं पता होता ऐसी अपॉर्चुनिटीज का, बट स्टिल हमारे कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं, फवाद भाई हैं, 2-4 और हैं अपने, साइम है, इन लोगों ने बड़े ही अच्छे फेसबुक के पेजेस बनाए हुए हैं पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट करने के लिए। इन लोगों को क्रेडिट जाता है इस चीज का, जो हमारे आधे लोग हैं, मैं समझता हूँ बल्कि आधे नहीं, 70-80% जो लोग हमारे कॉन्फ्रेंसिस पे जा रहे होते हैं वो इन्हीं पेजेस के थ्रू जा रहे होते हैं। किसी को ख्वाब तो नहीं आई होती कि अमरीका में स्कॉलरशिप हो रही है अप्लाई कर लो, तो इन लोगों को क्रेडिट जाता है, इन लोगों का सल्यूट पेश करता हूँ और इनका मैं थैंक यू भी करता हूँ एट द सेम टाइम, कि ये बगैर किसी लालच के, बगैर किसी पैसों के सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं।
मैंने रजा खान का जो मैसेज है वो नीचे जा चुका है, तो मुझे नहीं पता व्हाट ही इज ट्राइंग टू लाइक कन्वे। अगर आप दोबारा कह देते हैं तो मैं आपको आंसर कर देता हूँ। हाउ वी कैन क्वेश्चंस। लास्ट डेट 10th of August है। 15 अगस्त को हमारे जो है अनाउंसमेंट है। Harris is asking that a secret tips to be mindful of during fill the form. उर्दू में बताता हूँ, अगर आप इसको गेट करोगे तो ये सीक्रेट टिप है। आपके कोलो फेल में इंतजार नहीं होना चाहिए, तो यूल हैव द मैक्सिमम चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड आपके कोल और आपके फेल में। तो आप अंदाजा लगा लें व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नवीद, हमने रिकमेंडेशन लेटर जो है वो किसी से भी नहीं मांगा एप्लीकेशन में। आई डोंट थिंक सो। आप किसी और जगह पे अप्लाई कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे क्वेश्चन हैं, उसके सिंपल से आंसर करने। थैंक यू फरहान। आई एम श्योर कि मैंने आपकी जो एम्बिग्यूटीज हैं या आपकी क्वेरीज हैं वो सॉल्व की हैं। इट्स बीन अ प्लेयर। चले ठीक है जी। वी आर लाइव फॉर 2 more minutes स्टार्टिंग फ्रॉम राइट नाउ। और अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो अभी क्विकली पूछ ले तो ठीक है। जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रही हैं, ये स्ट्रीम जो है हम इसको सेव कर देंगे पेज पे, आप इसको दोबारा देख सकती हैं, क्योंकि एक ही बात चार चार बारी रिपीट हो चुकी है। तो जो लोग हमारे साथ पहले से मौजूद हैं वो बोर हो जाएंगे अगर हम दोबारा वही आंसर करने लग जाएंगे। जी ईमान, आई वुड लाइक टू मेंशन 3 more people जिन्होंने डियाना अवार्ड विन किया है। बंगेश शोएब भी है, उमर भी है, नबीला भी है। नबीला बीइंग फ्रॉम डेरा गाजी खान के बीच में एक गांव है, वहां से है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं आप देखे ना, 5 पाकिस्तानी है बट आपको बता दो बांग्लादेशी 6 है, इंडियन इससे भी ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने एंड पे कोशिश करते रहने चाहिए। लास्ट ईयर देर वॉज 1 पाकिस्तानी और एक टीम थी जिसका स्टार्टअप था, वो विन कर रही थी डीएनए अवार्ड। दिस ईयर 5। और जितना अच्छा हमारा लुमिनाई नेटवर्क बनेगा, जितना अच्छा हमारा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा, आई एम श्योर कि हम मोर पाकिस्तानी को भी टच करेंगे, बिकॉज वी विल बी द वंस जो उनको नॉमिनेट कर रहे होंगे। तो मैं देख रहा हूँ या मैं लाइक दुआ करता हूँ कि अगले साल 10 लोग हों जो सिलेक्ट कर रहे हो और हमारे साथ यूके में बैठ के वो इतनी बड़ी सर्जरी में इतना बड़ा अवार्ड लें। जी ठीक है। रजा कह रहे हैं कि मैंने अप्लाई किया था। लाइक रजा को आंसर करने से पहले मैं शुमाइल को आंसर कर देता हूँ। एप्लीकेशन फीस 3500, दैट इज नॉन रिफंडेबल। ठीक है। और रजा, मैंने भी आपकी तरह लाइक 100 200 जगह पे अप्लाई किया होगा। मेरे पास टन्स ऑफ रिजेक्शन ईमेल्स हैं मेरे मेल बॉक्स में। मैं उनको कभी डिलीट नहीं करता, मैंने कभी डिस्करेज नहीं हुआ उस चीज से। मैं हमेशा उस चीज को लाइक उधर से बंदा सोचता है कि यार मुझ में क्या गलती है, मेरे क्या वीक पॉइंट्स हैं। आप उनको आइडेंटिफाई करो और आप फौरन उस पर काम करो और दोबारा आप मतलब क्रीज पे आके छक्का मारो। बस छोटी सी एडवाइस यही है कि जो फॉर्म है आपने उसको बड़े ही ध्यान से अप्लाई करना है। लाइक आपका एक दो लाइंस अगर आप लाइक कुछ ऐसे लिख देते हो जो आपके कोल और फेल में तजाद आ जाता है। अगेन वही बात हारिस को जो मैंने बताई है, कहने का मतलब ये, अगर आप कह रहे हो कि आप सोशल वर्क करते हो 5 सालों से, अगर जो कह रहा है अपनी खुद की एप्लीकेशन में कि मैं 5 साल से काम करता हूँ, जब हम उसकी अपनी प्रोफाइल विजिट करें और कोई ऐसा मार्वलस काम ना किया हो तो यहाँ पे कोल और फेल में तजाद आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आप नहीं करते, जस्ट से इट कि यार मैं न्यू भी हूँ एंड आई वॉन्ट टू यू नो ज्वाइन दिस फेलोशिप। मैंने आपको बताया कॉन्फ्रेंस में आप जाके बता रहे होते हो आप क्या करते हो। फेलोशिप में आपको सिखाया जा रहा होता है और आपको ट्रेन किया जा रहा होता है कि आपने क्या करना है। आप बताओगे जी मेरा, मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ कि मैं ये काम करना चाहती हूँ कम्युनिटी के लिए, तो आप अपने ट्रेनर्स के साथ पहले दिन तो आपकी लाइक 1 to 1 सेशन है ट्रेनर के साथ, आप उनको बता रहे हो और हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो आपको बता रहे होंगे कि ओके
फिर हमसे वो शेयर कर रहे होंगे आपके प्रोफाइल जो 10 लोग हैं, 10 में से जो पहला है इसका जो जो कह लें इंटरेस्ट है वो वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ है, तो हम इसको ये वाला प्रोजेक्ट दे सकते हैं। कोई बता रहा होगा कि इसका इंटरेस्ट चाइल्ड लेबर की तरफ है, तो हमारे जो ट्रेनर हो रहे होंगे वो आपको उसी लाइन में लेके ट्रेन कर रहे होंगे। ये नहीं हो रहा होगा कि लाइक एक ही टॉपिक है सारे लोग पढ़ी जाओगे, नहीं, 1-to-1 सेशन होंगे, 1-to-1 लाइक काउंसलिंग हो रही होगी। और मैं बता दूं आपको, जो फेलोशिप पे 10 लोग जा रहे हैं, इनकी डेली की नींद सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे है। इन्होंने ट्रेनिंग्स भी लेनी है, इन्होंने वर्कशॉप भी लेनी है, इन्होंने पी समिट भी अटेंड करना है, इन्होंने पी समिट में वॉलंटियर भी करना है, इन्होंने पी समिट में एज अ पैनल पैनलिस्ट भी जाना है, विच इज येट टू कन्फर्म। तो ये थोड़ा इस तरह का काम है। चले जी, ठीक है, बड़ा अच्छा लगा लाइव सेशन में आप लोगों के साथ आके। आई डोंट नो मुझे कितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं जो कमेंट्स हैं वहां से देख पा रहा हूँ कि मुझे कितने लोगों ने कमेंट्स किए हैं, कितने लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं। हम लोग अपनी जो ईमेल है वो भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कमेंट्स में। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस रिलेटेड टू फेलोशिप, वो इस मतलब हमारी जो ईमेल है उस पे हमें कर सकता है। किसी को कोई पेमेंट में इशू आ रहे हैं, पेमेंट करने के 3 मेथड हैं। आई वुड लाइक टू टेल कि पहला जो मेथड है वो बैंक से है। आप अपना कार्ड, अगर किसी के पास इंटरनेट सेशन एक्टिव है, वो अपने कार्ड की डिटेल्स डाले, जिस तरह हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप पे कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन ये है, तीसरा चौथा वो ये है कि आप इजी पैसा जैस कैश कर सकते हो। बट मेक श्योर जो भी प्रोसेस चूज करो उसका स्क्रीनशॉट लाजमी लेना है, बिकॉज उसी एप्लीकेशन में नीचे हमने आपसे पेमेंट प्रूफ मांगा है। और अगर किसी का पेमेंट प्रूफ का इशू आ जाता है, सम किसी का लाइक फॉर सपोज अगर कोई बंदा है कोई पैसे पे कर देता है, उसको स्क्रीनशॉट लेना लाइक नहीं ले पा रहा होता या भूल जाता है, मिसमैनेजमेंट हो जाती है, तो वो हमारी ईमेल पे हमें अपना केस डिस्कस करे, हम अपने एंड से चेक करके उसको फिर हमें कंफर्मेटरी मैसेज दे देंगे जो वो अटैचमेंट में लगा सकता है। 1-2 केसेस हुए हैं रिसेंटली जिन्होंने पैसे पे किए थे, उनको फिर कंफर्मेशन नहीं आई, इजी पैसा वालों ने दी, तो फिर उन्होंने हमसे कंफर्मेशन मैसेज ले लिया और वो फिर उन्होंने अपलोड कर दिया, बिकॉज जो एप्लीकेशन है उसमें ही हमने नीचे पूछा पेमेंट प्रूफ, उसके बगैर एप्लीकेशन जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते। शुमाइल एप्लीकेशन ऑनलाइन है, बाय पोस्ट वाला तो दूर ही चला गया, हम अब तो कोरोना में रह रहे हैं, अब तो सेशन ही ऑनलाइन हो रहे हैं, तो अप्लाई भी ऑनलाइन करोगे ऑब्वियसली। लिंक हमने पेस्ट कर दिया है, इस सेशन जब खत्म होगा तो आपको एक जो पिंड कमेंट होगा उसमें लिंक निकल आएगा, आप उसमें अप्लाई करो। और एप्लीकेशन को प्लीज, 2 सेक्शन में हमने सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स बताई हैं फेलोशिप की, कि क्या डिटेल्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया है, व्हाट आफ्टर आई गेट सेलेक्टेड, सारे मतलब हमने उसमें डिटेल्स दी हुई हैं। उसके साथ साथ एट सेम टाइम हमने ypf.maps.org.pk और एप्लीकेशन के अंदर ही फैक्ट्स भी दिए हुए, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, एम्बिग्विटी है, तो वो वहां से भी देख सकता है। स्टिल अगर किसी को अभी भी कोई समझ नहीं आई, क्लाउड है उसके जहन में, तो वो हमें ईमेल कर सकता है, अभी ईमेल पेस्ट हो जाएगी कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं ईमेल पेस्ट कर रहा हूँ, तब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर दे, अदरवाइज हम इस स्ट्रीम को अभी एंड कर देंगे 30 सेकंड्स के अंदर अंदर। ओके जी, मैंने ईमेल जो है वो कमेंट में लाइक पेस्ट कर दी है। एट द सेम टाइम दिस सेशन इज गोइंग टू यू नो एंड, थैंक यू सो मच। अजान हो रही है, आई ट्राई कि मैं इस स्ट्रीम को खत्म कर दूं, अजान का रिस्पेक्ट किया जाए। थैंक यू सो मच, अगर किसी के कोई क्वेश्चन है वो हमें कमेंट करके पूछ सकता है, एट द सेम टाइम हमें ईमेल भी कर सकता है। मैं अपने वेब लिंक्स जो है मैप्स के वो भी पेस्ट कर देता हूँ इस कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बड़ा अच्छा सेशन रहा आप लोगों के साथ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछ सकता है। बाय बाय।